यूक्रेन पर रूस के हमले का आज तीसरा दिन, कीव समेत यूक्रेन के कई शहर में रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले। आज यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर सकता है रूस। कीव की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं रूसी सैनिक, कीव एयरपोर्ट पर रूसी सैनिकों ने कब्जे का किया दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा, तख्ता पलट करने की तैयारी में है रूस। यूक्रेन का बड़ा दावा, कहा कीव में रूस के 60 सैनिकों को मार गिराया, रूसी सैनिकों को पीछे खदेड़ा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकराया, देश छोड़ने से किया इनकार। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे यूक्रेन, हमें हथियार चाहिए सवारी नहीं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, हम और हमारा परिवार यूक्रेन में है और यहीं रहकर यूक्रेन की रक्षा कर रहे हैं, हम गद्दार नहीं। ज़ेलेंस्की ने अपने नागरिकों से कहा, अफवाहों पर ध्यान न दें, घरों में रहें, यूक्रेनी सेना देश की रक्षा में जुटी। अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को देश छोड़कर अमेरिका आने का दिया था ऑफर, ज़ेलेंस्की ने ठुकराया। यूक्रेन के पास सीमा पार करने के लिए दिखी 4 मील लंबी कतार, सैटेलाइट इमेज आई सामने। यूक्रेन पोलैंड सीमा पार 49 किलोमीटर लंबा जाम, यूक्रेन छोड़कर भाग रहे हैं लोग। यूक्रेन के खेरसोन इलाके में घुसते नजर आए रूसी सैनिकों का काफिला, तेज रफ्तार में ट्रक और मिलिट्री साजो सामान लेकर जाता दिखा काफिला। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका की दिखी हलचल, 3 अमेरिकी जहाज यूक्रेन बॉर्डर पर मंडरा रहे हैं। 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट रोमानिया बॉर्डर के पास, जिसमें एक एयरक्राफ्ट में फ्यूल भरने वाला एक टोही विमान है और दूसरा पोलैंड एयर स्पेस में भी एक फ्यूल भरने वाला विमान देखा गया। यूक्रेन के कीव में चर्च में कई लोगों ने ली शरण, कई बच्चे भी शामिल। यूक्रेन में आम नागरिक की गाड़ी को रूसी टैंक ने कुचला, वीडियो हुआ वायरल। यूक्रेन का दावा, हुलिया बदलकर घुस रही है रूसी फौज, कुछ रूसी फौजियों को पकड़ने का भी दावा, नागरिकों को बांह पर पीला रिबन बांधने की सलाह। कीव से लेकर यूक्रेन के दूसरे शहरों में तबाही की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, इनमें कारें मलबे में तब्दील दिख रही हैं और लोग अपने टूटे घरों का मलबा साफ कर रहे हैं। राजधानी कीव में बहुमंजिला इमारत पर निशाना, कीव के अपार्टमेंट में घुसी रूसी मिसाइल। यूक्रेन की राजधानी कीव में बहुमंजिला इमारत पर रॉकेट से हमला, पूरा इलाका धुआं धुआं। हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत, कई इमारतों को नुकसान, धूल और धुएं के गुबार से पटा इलाका। आज फिर यूक्रेन में सायरन बजाया गया, पूरे कीव शहर में बजा सायरन। राजधानी कीव में हमले के बाद दिखे तबाही के मंजर, चारों तरफ पसरा है मलबा। बमबारी से बचने के लिए मेट्रो के सबवे में छिपे हैं लोग, यहीं एक मां ने बच्चे को दिया जन्म। यूक्रेन से भारतीय छात्रों के लिए भारत सरकार की कोशिशें तेज, रोमानिया से विमान ने किया टेक ऑफ। भारतीय छात्र छात्राओं को रोमानिया से मुंबई लेकर आ रहा है विमान, 219 लोग हैं सवार। दिल्ली से एक फ्लाइट रोमानिया के बुखारेस्ट के लिए रवाना, मुंबई से एक फ्लाइट रोमानिया के बुखारेस्ट के लिए रवाना, यूक्रेन बॉर्डर से लाए जाएंगे छात्र। दिल्ली से एक फ्लाइट हंगरी के बुडापेस्ट भेजी जाएगी, जहां से भारतीय छात्रों को लाया जाएगा। एयर इंडिया की फ्लाइट्स यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने में जुटी, यूक्रेन रोमानिया और हंगरी में भारतीय दूतावास के अधिकारी कर रहे हैं मदद। यूक्रेन से रोमानिया पहुंच चुका है 470 भारतीय छात्रों का पहला जत्था, यूक्रेन में फंसे भारतीयों में ज्यादातर मेडिकल के छात्र। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार की बड़ी पहल, अपने खर्च पर भारतीयों को वतन लाएगी सरकार। भारत सरकार के अधिकारी भारतीयों को ला रहे हैं रोमानिया बॉर्डर तक, भारतीयों के वतन वापसी की हर संभव कोशिश जारी। छात्रों को के एयरलिफ्ट में हंगरी और रोमानिया दे रहे हैं भारत का पूरा साथ, इंडियन एम्बेसी ने जारी की भारतीयों के लिए एडवाइजरी। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने की भारत सरकार की कार्रवाई की नीतीश कुमार ने की सराहना, बिहार के लोगों की वापसी के लिए जताई अपनी प्रतिबद्धता। यूक्रेन में मध्य प्रदेश के 122 लोगों के फंसे होने की सूचना, सीएम हेल्पलाइन के जरिए मिली जानकारी।
दिल्ली में रूसी एम्बेसी के सामने जुटे यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन पुलिस फोर्स ने भेजा वापस। यूएनएससी में रूस की निंदा वाले प्रस्ताव पर हुई वोटिंग, भारत चीन और यूएई ने बनाई दूरी, निंदा प्रस्ताव पर रूस ने लगा वीटो। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संपत्ति फ्रीज करेगा अमेरिका। यूक्रेन पर रूस के हमले का भारतीय बाजार पर भी दिखा असर, यूक्रेन और रूस को सप्लाई होने वाले माल की डिमांड रुकने से कारोबारी परेशान। इंडिया यूक्रेन में 700 मिलियन डॉलर से ज्यादा का होता है व्यापार, इसमें 8 मिलियन डॉलर का गारमेंट का व्यापार भी शामिल। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से बड़े स्तर पर यूक्रेन और रूस में भेजे जाते हैं गारमेंट्स, युद्ध के दौरान रुकी डिमांड। फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री और चूड़ी इंडस्ट्री को भी लगा झटका, होल्ड पर गए 200 करोड़ के ऑर्डर। फिरोजाबाद में कांच कारखाने के मालिकों ने जताया 1200 करोड़ के नुकसान का अनुमान, यहां से 70 देशों में होती है सप्लाई। यूपी के बलिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की रैली, बीजेपी के लिए मांगा वोट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा पांचवा चरण खत्म होते ही पूर्ण बहुमत की ओर बीजेपी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में व्यापक आंधी चल रही है और पांच चरणों के चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी। सीएम योगी ने कहा 2017 के बाद से हर दंगाई डरता है। भाइयों बहनों, 2017 के बाद कोई दंगे का नाम सुना? हर दंगाई डरता है, उसे मालूम है दंगा करेंगे तो क्या होगा। कल पांचवें चरण के लिए यूपी में डाले जाएंगे वोट, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कल अवध, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र के कुल 12 जिलों की 61 सीटों पर होगा मतदान, 2.5 करोड़ मतदाता इस महापर्व में लेंगे हिस्सा। पांचवें चरण में 692 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला, कई नए उम्मीदवार तो कई पुरानी दावेदारी दोहराने को तैयार। प्रयागराज में योगी सरकार के दो मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर, दक्षिण से नंदगोपाल नंदी और पश्चिमी सीट से मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह लड़ रहे हैं चुनाव। प्रतापगढ़ में बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह की किस्मत दांव पर, समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव दे रहे हैं चुनौती। प्रधानमंत्री मोदी ने हेल्थ सेक्टर के वेबिनार को किया संबोधित, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को लेकर चर्चा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया संबोधित। दिल्ली में साइकिल रैली का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी रही मौजूद। दिल्ली में पोलियो अभियान की शुरुआत, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बच्चों को पिलाई पोलियो ड्रॉप, 1 मार्च तक अभियान। बेंगलुरु में सीएम बसवराज बोम्मई ने कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ आगामी बजट पर की चर्चा। 7 मार्च से झारखंड में ऑफलाइन संचालित होंगी सभी कक्षाएं, कोचिंग संस्थान भी खोलने की मिली इजाजत। झारखंड के लोहरदगा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, नक्सलियों के हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। बुलबुल के जंगल में छिपाकर रखे गए थे 20 राइफल और कारतूस, लोहरदगा को नक्सलवाद मुक्त करने के लिए जारी अभियान। 8 फरवरी से सुरक्षा बल चला रहे हैं अभियान, अभी तक एक का नक्सली मारा गया, 10 गिरफ्तार। ऑपरेशन में अब तक 3 सुरक्षा बल हो चुके हैं जख्मी, नक्सलियों द्वारा लगाए लैंडमाइन विस्फोट के हुए थे शिकार। अंबाला के शहजादपुर इलाके में मिले 232 बम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सैन्य अधिकारियों को भी दी गई सूचना, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। सरकारी अस्पताल ने कागजों में लगा दी दूसरी डोज, अब टीका लगवाने के लिए अस्पताल के चक्कर लगा रही है महिला। वाराणसी में यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए किया गया यज्ञ, लोगों ने की युद्ध के शांति की कामना। न्यू सरस्वती नगर और मोतीपुरा में चला प्रशासन का बुलडोजर, 4 करोड़ की सरकारी जमीन कराई गई मुक्त। वाराणसी में गंगा घाट पर भीख मांगने वाले बच्चों की बदल रही है जिंदगी, पढ़ना लिखना सीख रहे हैं बच्चे।
एक संस्था पढ़ाई के साथ रोजगार का बना रही है साधन। भीख मांगने वाली महिलाएं भी सीख रही हैं हाथ का हुनर। उनके बनाए बैग बड़े आयोजनों में भी हो रहे हैं शामिल। बढ़ते हुए साइबर अपराध को रोकने के लिए नोएडा में लोगों को जागरूक करने की पहल। फ्रॉड होने पर तुरंत शिकायत करने से पैसे मिलने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। नोएडा में फरवरी महीने में 5 साइबर ठगी के मामलों में साइबर सेल ने पैसे रिफंड कराए। थानों में दर्ज होने वाले अपराध में हर छठा व्यक्ति साइबर अपराध का शिकार। ऑस्ट्रेलियन फ्लेमिंगो पक्षियों का नया ठिकाना बना तमिलनाडु का रामेश्वरम। कोंठधर्मा मंदिर के पास ऑस्ट्रेलियन फ्लेमिंगो पक्षियों के आने से बड़ी खूबसूरती। हैदराबाद पुलिस ने सड़क पर ऑटो से स्टंट करने के अपराध में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। आम लोगों को हो रही थी परेशानी। कानपुर के कल्याणपुर इलाके के बुद्धा पार्क में निकला 10 फीट का अजगर। वन विभाग की टीम ने पकड़कर कंधे में लादकर ले गए जंगल। रंग की बौछार के साथ पुणे जिले में प्रसिद्ध मस्कोबा नाथ की यात्रा का हुआ समापन। हजारों श्रद्धालु जुटे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गिरा बड़ा बोल्डर। हाईवे किया गया बंद। बोल्डर हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पहाड़ी इलाकों में बिना छत के स्कूल। बाहर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं छात्र। देर रात नोएडा में हुई बारिश से तापमान में गिरावट। प्रदूषण के स्तर में आई कमी। कश्मीर में फिर ताजा बर्फबारी। अनंतनाग में हाईवे पर से बर्फ को हटाने का काम जारी। कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी। अनंतनाग के काजीकुंड रेलवे स्टेशन के बाहर बिछी बर्फ की सफेद चादर। काजीकुंड रेलवे स्टेशन की पटरियों पर बर्फ ही बर्फ। बर्फ हटाने का काम जारी। पटरी से बर्फ हटाने के बाद पहुंच रही हैं ट्रेनें। आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी। भारत और श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा दूसरा T20। धर्मशाला में भिड़ेंगी दोनों टीमें। श्रीलंका के 2 अहम खिलाड़ी T20 सीरीज से बाहर। स्पिन गेंदबाज महेश तीक्ष्णा और तेज गेंदबाज शिरन फर्नांडो चोट के चलते 2 मुकाबलों से बाहर। श्रीलंकाई बल्लेबाज कुशल मेंडिस का भी बाकी 2 मैचों में भाग लेना मुश्किल। रिपोर्ट के मुताबिक कुशल मेंडिस टेस्ट सीरीज के समय पर हो सकते हैं पिच। श्रीलंकाई विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिक्वेला और धनंजय डिसिल्वा को अब अंतिम 2 मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया। पहले से ही है टीम का हिस्सा। श्रीलंकाई टीम को पहले T20 इंटरनेशनल में भारत के हाथों 62 रनों का हार का सामना करना पड़ा। सीरीज में बने रहने के लिए श्रीलंका को हर हाल में जीतना होगा मुकाबला। अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा आर्चीज कॉमिक्स पर आधारित फिल्म से कर सकते हैं डेब्यू। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी इसी फिल्म में अगस्त के साथ आ सकती है नजर। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का खुलासा, एक्टिंग के लिए मैंने मना नहीं किया होता तो शाहरुख के बजाय सलमान के साथ होती मेरी पहली फिल्म। फिल्म राधे श्याम का नया सॉन्ग जान है मेरी रिलीज। इस गाने में प्रभास और पूजा हेगड़े रोमांटिक अंदाज में नजर आए। फिल्म 11 मार्च को होगी रिलीज। राजपाल यादव की अपकमिंग फिल्म अर्थ का फर्स्ट लुक रिलीज। राजपाल यादव एक ट्रांसजेंडर का निभा रहे हैं किरदार। फिल्म में रुबीना दिलेख, हितेन तेजवानी और कुलभूषण खरबंदा शामिल। एक्टर विद्युत जामवाल ने शेयर किया हैरान करने वाला अपना वीडियो। -8 डिग्री टेम्परेचर में बर्फीली झील में नहाते हुए आए नजर। आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी थिएटर्स में रिलीज के बाद भी प्रचार में जुटी। मुंबई में सिनेमाघर के बाहर पहुंचकर आलिया भट्ट ने फैंस को किया सरप्राइज। आलिया भट्ट को देखने और उनसे मिलने के लिए उमड़े फैंस। आलिया ने भी लोगों का किया अभिवादन। मुंबई में एक थिएटर में आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के कट आउट के सामने अपने सिग्नेचर स्टेप में नमस्ते करती आई नजर। मुंबई की सड़कों पर बस के ऊपर चढ़कर आलिया ने किया प्रचार। हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन। मुंबई में एक सैलून के बाहर स्पॉट हुई अभिनेत्री कृति सेनन। खिंचवाई फोटो।